हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और मैं इस वक्त हूँ एक ऐतिहासिक जगह भगत सिंह की कर्म भूमि में, आगरा में। ये वो जगह है नूरी गेट पर, जो मकान क्रांतिकारियों ने सबसे पहले किराए पर लिया था। ये HSRA का दफ्तर था। ये मकान का ये पहला फ्लोर है, पहली मंजिल है, और इसी कमरे को और एक बगल के ये जिक्र आता है कि इस पूरे फ्लोर को क्रांतिकारियों ने लिया था। मकान मालिक का नाम था छन्नामल, उनके और दो भाइयों का जिक्र आता है, गोपाल दास और ज्वाला प्रसाद, और इसी मकान में क्रांतिकारी रहते थे। शिव वर्मा ने इसे किराए पर लिया था, ₹5 किराए इसका महीना था, इसका तय किया गया था। इसके मकान मालिक ने फिर 29 जुलाई 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष गवाही दी थी। वो गवाही ऐसे भगत सिंह के मुकदमा वाली जो श्रृंखला है उसमें भी आप देख सकते हैं। और ये अभी मकान बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है, इसको तत्काल उद्धार की जरूरत है, नहीं तो ये बिल्डिंग जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जो एक धरोहर है भारतीय स्वाधीनता संग्राम का, एक प्रमुख बिल्डिंग है, और आज ये बिल्कुल ही बदहाल स्थिति में है। ये कह सकते हैं कि इतनी गंदी जगह शायद ही कहीं हो, किसी गरीब से गरीब इंसान का भी ऐसा टूटा फटा घर नहीं होता जिस हालत में ये है। इस पर सरकार को तुरंत चाहिए कि एक्शन ले, इसको संरक्षित करे, इसको अधिग्रहण कर करके इसको बचाया जाए, ताकि इसमें ये किया जा सके। और मेरे साथ हैं यहाँ एक और जो जरूरी आदमी, ये हैं विनोद साहनी जी। विनोद साहनी जी द फ्रीडम के वेल विशर हैं, ये हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, और कभी कभी जब मैं निराश हो जाता हूँ, आप लोगों का जब वीडियो पर कम व्यू आने लगता है, तो ये मुझे चार्ज करते हैं। इनकी सिर्फ यही बात नहीं है, द फ्रीडम के एक संरक्षक की तरह हैं, प्रमुख स्तंभ हैं, एक पिलर हैं, साथ ही क्रांतिकारियों के दीवाने भी हैं। जिस तरह से आप सभी द फ्रीडम के लोग हैं, जो व्यूअर हैं, इन्होंने इतना काम किया है विनोद साहनी जी को, विनोद साहनी जी ने, जिन्हें बताने के लिए समय कम पड़ जाएगा। ये इस बिल्डिंग पूरी तरह से, ये बिल्डिंग उपेक्षित थी, अपने प्रयास से और सारे लोगों को, इन्होंने आगरा के लोगों को जोड़ा, और फिर यहाँ पर इन्होंने आज ही जब मैं यहाँ आया हुआ हूँ, वहाँ भगत सिंह की मूर्ति का की स्थापना की गई है। आज 27 सितंबर है 2024 का, और 27 सितंबर को वहाँ पर भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण ठीक बगल में किया गया। ये नूरी गेट वाला मकान कहा जाता है। इस मकान को लेकर के ढेर सारे संस्मरण लिखे हैं क्रांतिकारियों ने। आगरा में और भी कई मकान हैं, खासकर कम से कम दो मकान हिंग की मंडी में और नाई की मंडी में, जिनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा कहा गया है, क्रांतिकारियों ने लिखा है, जो जीवित बच गए थे अपने संस्मरणों में लिखा है, और उन सभी कहानियों को भी देखेंगे, और साथ ही इस मकान से जुड़ी कहानियाँ भी। लेकिन ये अभी मैं जहाँ हूँ, मुझे देख करके जो एहसास हो रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यहाँ वो सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, वो सब कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे मैं देख रहा हूँ भगत सिंह किसी कोने में बैठे हुए हैं, किसी कोने में जयदेव कपूर हैं, कहीं गया प्रसाद हैं, कहीं शिव वर्मा हैं, कहीं भगवान दास माहौर हैं, कहीं विश्वनाथ वैशंपायन हैं, कहीं विजय कुमार सिन्हा हैं, और सुखदेव कहीं हैं, कहीं राजगुरु हैं, और ये लोग कभी कोई बैठ करके पढ़ रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कभी गप, कभी मस्ती, कभी रात में प्लानिंग, कभी जो कुछ भी यहाँ उन लोगों ने किया। याद रखिए कि आगरा को ताजमहल की नगरी कहा जाता है, लेकिन जिस दिन हम हिंदुस्तानी थोड़ा थोड़ा क्रांतिकारियों को याद करना सीख जाएंगे, ये जो ताज की नगरी है, ताज नगरी है, इसे हम लोग HSRA की नगरी या क्रांतिकारियों की नगरी भी कहना शुरू कर देंगे। तो और भी इसकी कहानियां मैं आपको बताऊंगा यहाँ के वीडियो दिखाते हुए, इस मकान की जो हालत है उसको दिखाते हुए। और हमारे साथ कैमरा पर हैं उनका क्या नाम है, नवीन अग्रवाल जी, जो अभी वो पीछे हैं, उन्होंने संभाल रखा है कैमरा। तो वो ये विनोद साहनी जी, मैं सुधीर, आपसे यही विदा लेता हूँ, और फिर इस अगले वीडियो में मैं इस बिल्डिंग को, इससे जुड़ी कहानियों को दिखाऊंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।